टेबल लेके आए टेबल कोई मिनिमम वैल्यूज लिखनी है टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जगह की सफाई कर लें और ये चेक कर लें कि वो बैलेंस में है या नहीं है अगर अनबैलेंस होगी तो फिर भी आपके रीडिंग में जो है वो फर्ज आ जाएगा वो आउट ऑफ लिमिट कर देगा ठीक है जी जब आपने टेस्ट परफॉर्म करना है इसकी हाइट जो है वो टोटल है नीचे वाली यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच है ठीक है जी ये निशान लगा हुआ आपका और इस प्लंजर की जो हाइट है वो है 24 इंच 2 फुट 24 इंच ठीक है जी प्लंजर ये इसके अंदर गाइड हाउस गाइडिंग हाउस 24 इंच 24 इंच आपकी जो ड्रॉपिंग हाइट होती है जहाँ से आपने ड्रॉप करना है लगाना है स्ट्रोक लगाना है वो आपकी 18 इंच है जब आप ये यहाँ तक इस निशान पर रख के लगाएंगे तो 6 इंच नीचे से क्या होगा माइनस हो जाएगा बाकी 18 इंच जो है वो आपकी ड्रॉपिंग हाइट बन जाएगी ठीक है जी उसके बाद जब आपने इसको परफॉर्म करना है आपने ये बेस प्लेट की दोनों साइडों से जो है वो उसको ग्रिप में कर लेना है ठीक है जी उसके बाद आपने एक हाथ से इसको जो है वो पकड़ के जो है वो ये निशान तक यहाँ से आपने छोड़ देना और कोशिश करनी है कि साथ लग के ना टच हो के ना हाइट जाए नीचे आप फ्री हैंड छोड़ेंगे तो वो सीधा नॉर्मली जो है वो नीचे जाना चाहिए कोशिश ज़्यादा यही होगी ठीक है तो वेट कितना 4 से 5 kg होता है और आपको एक्चुअल वेट इसका क्या पास यस सर ऊपर ऊपर आज जी एक बंदा स्टूडेंट आज स्टॉक लगाने के लिए मेरा बेटा ऐसे नहीं लगा तरीका जैसे बताया ना ऐसे लगा नीचे पाऊँ ये अप डाउन हाँ ऐसे नहीं पुत्र और ऊपर ऐसे जैसे फैसला साहब पकड़ रहे हैं ना एक हाथ से ये रीडिंग 25 पहली रीडिंग 25 है ऐसे लगाएं बाकी आगे ना कभी कौन लगाए एक हाथ से करना बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं निशान को जैसा निशान इधर करें रिलीज 29 बेटा साइडों से स्ट्राइक में लगाए हैं दूसरी रीडिंग 29 है और भी करें ना यार जिसने करना है करें 30 टकरा के जा रहा है इस तरह ही नहीं जा रहा बाकी दो भी कर देना यार हट जाते हैं 30 ये तो दोनों साइडों से बिगड़ा शायद नहीं लगता फिर हमेशा लगता है दोनों कितना 30 टेस्ट रिजल्ट भी 30 आपकी पांचवी रीडिंग की 30 हो गया यार क्या हो गया पंच हो गई है सर अगर ये वो जो ऑफ लाइन होगा वो क्या रीडिंग यहाँ पे शो होगी मतलब ऑफ लिमिट्स आपको चेक कराएं बंद करेंगे ये देखिए जी ऑफ लिमिट कैसे आ ये पहली रीडिंग थी जी मैं यहाँ पे रखा है जी ये पहली रीडिंग हाई रीडिंग यस 28 आप देखिए 31 30
22 ऑफ लिमिट आ गया ऑफ लिमिट ये नीचे ऑफ अब समझ आई है यस सर तो ये परफॉर्मेंस जो है ना आपकी ये इम्पोर्टेंट है मैंने पहले जो परफॉर्मेंसेज की वो मैंने ज़्यादा लिफ्ट किया बाद में मैंने थोड़ा लिफ्ट किया तो उसमें इम्पैक्ट वैल्यू वेरिएट हो रही थी एक्चुअली है क्या चक्कर सारा चक्कर तो ये है कि ये जिस तरीके से स्ट्राइक करता है तो उसके बाद वो वहाँ पे रीडिंग जाती है या वो सेंसर से उधर रीडिंग जाती है तो मैं जब वेरिएबल तरीके से इसको कर रहा हूँ यानी एक दफ़ा मैंने थोड़ा स्ट्राइक दिया थोड़ी लिफ्ट दी तीसरी दफ़ा ज़्यादा लिफ्ट दी तो फिर रिजल्ट कैसे सेम हो सकते हैं इसका काम तो ये है कि ये पांच ट्रायल्स आपके जो कंजेक्टिव पांच ट्रायल्स हैं उनमें आपकी एक ही हाइट मेंटेन हो और उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन को तो ये कबूल करता है लेकिन ज़्यादा को ये कबूल नहीं करता तो इसका ये मतलब अप डाउन होगा तो ये आपका बेनिफिट इसलिए है कि आपको पता चल जाएगा आपकी इम्पैक्ट वैल्यू या परफॉर्मेंस ठीक थी या नहीं थी अगर ये ना बताए तो फिर वो चार्ट है ठीक है आपको मैंने इसलिए हर वैल्यू यहाँ पर लिखने के लिए कहा है कि आप वहाँ चार्ट पे जाके एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं चेक तो ये 100% वो चार्ट ओके होगा ये मशीन कह रही है कि ये ओके है तो 100% ओके होगा लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सम टाइम्स ऐसे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो मॉडर्न डे इक्विपमेंट नहीं होते उनमें आपको खुद ही चार्ट से चेक करना पड़ता तो आपको वो भी बताना चाहिए अगर एक दफ़ा फिर करना चाहते हैं कर लें